हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टीवी शोज अपडेट। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल नागिन 6 सीरियल में बहुत ही जल्द एंट्री लेने वाली कुछ एक्ट्रेस के बारे में बताने वाली हूँ। गाइस, मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि नागिन 6 सीरियल की फाइनल एपिसोड आप लोगों को फरवरी के मिडिल तक देखने को मिलेगा और नागिन सीजन 6 सीरियल के फाइनल एपिसोड में आप लोगों को कुछ पुराने एक्ट्रेस की री एंट्री देखने को मिलेगा। इनमें से एक एंट्री होने वाली है सुरभि चंदना की। सुरभि चंदना इससे पहले नागिन सीजन 5 में आदि नागिन की तौर पर काम कर चुकी है और अब सुरभि चंदना नागिन सीजन 6 में भी आदि नागिन की तौर पर ही आप लोगों को नजर आएगी। सुरभि चंदना के साथ साथ एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी, जो नागिन सीजन 3 में विशाखा की किरदार निभाई थी, यानी कि लाल नागिन की किरदार निभाई थी, वो एक बार फिर से नागिन सीजन 6 में विशाखा की किरदार में ही काम करने वाली है और इसके साथ साथ नागिन सीजन 3 के लीड एक्ट्रेस सुरभि ज्योति, जो नागिन सीजन 3 में बेला और श्रावणी की किरदार निभाई है, वो एक बार फिर से नागिन सीजन 6 में नाग रानी श्रावणी का किरदार निभाएगी। नागिन सीजन 6 के फाइनल एपिसोड में ये तीन एक्ट्रेस एंट्री लेने वाली है। आप सुरभि चंदना, सुरभि ज्योति और अनीता हसनंदानी को नागिन 6 सीरियल में देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हो हमें कमेंट पर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट।